विशाल और बिच्छू बॉबी रुक जरा आया आया बड़े खा रहे हैं मैं खा रही है अरे सुनो तुमसे कुछ कह रहा है माँ मैंने सही तो कहा पिताजी ने बड़ा खाया सुनो नहीं बेटा मैंने छोटा खाया खाएगा क्या एक ही दीजिए एक ही है लीला बाहर गई है शायद तभी बड़े खा रहे हैं आप माँ तूने भी बड़ा खाया इतना नकभर टुकड़ा खाया बेटा माँ तुम्हारी शुगर बढ़ गई है अरे बढ़ने दे बेटा अब जीकर भी क्या करना है कुछ भी मत भगो तुमने दवाइयाँ लाया लीला से खाया वो ले आएगी अरे डॉक्टर ने नई दवाइयाँ लिख कर दी हो 18 रुपए की पुड़िया सस्ती जानकर ये पुरानी गोलियां ही खाया और वो भी 3 पैकेट और पुड़िया मंजू की गाड़ी पर ही भूल आए 6 रुपए पानी में गए कुछ भी पानी में नहीं गए अरे एक बार मंजू की दुकान पर जाने दे वो पुड़िया मुझे अच्छी तरह से याद है वहीं रखिए कोई बात नहीं दिशा हाँ शरद को फोन किया था बस शरद नहीं हो गया परमेश्वर हो गया इसका शरद को फोन किया था शरद आए नहीं मतलब परमेश्वर आ गए वो तो आता ही नहीं माँ शरद दिल्ली गया था फोन आया था नहीं मैं गया था उसके ऑफिस में क्यों उसके ऑफिस में घड़ी घटती थी और मुझे लगा कि हमें यहाँ से कब ले जाएगा ये पूछने के लिए बस ये ऐसा पूछती है ना कब ले जाएगा इसीलिए तो आता नहीं है यहाँ पर अरे छोटा बेटा है वो मेरा पूछो तो क्या हो गया अगर शरद 4 महीने के लिए ले जाएगा तो उतने ही समय के लिए लीला और दिशा मुक्त हो जाएगी ले जाएगा जरा सबर कर उसे भी सब व्यवस्था जमानी है तेरे को किस स्कूटी से लटकाएगा मेरे को किस स्कूटी से लटकाएगा उसके भी बीवी बच्चे हैं सब जमाना पड़ता ना भाई दिशा हाँ माँ बालू अच्छी स्कूल जाती है हाँ माँ वो अच्छी भी और स्कूल भी जाती है अरे शरद क्या कह रहा था बोलता क्यों नहीं माँ वो पूछ रहा था क्या तुमने कोई नई कविता लिखी है अरे हाँ बालू के पहले जन्मदिन पे लिखी वो मेरी आखिरी कविता थी मेरे रंगिया के जन्मदिन पर नहीं लिखी ना कविता आपने अरे लिखी थी ना नाती है इनके ट्रंक में होगा वो भी पर अब मेरा काहे करनी बस तुम मिलाती रहती हूँ टप टप पानी बरसता है आप बरसने कम से कम मेरे शरद ने इतना तो कहा सच तो ये है माँ उसने ये भी नहीं पूछा मैंने ही अपनी ओर से जोड़ा है तुम्हें अच्छा लगे इसलिए माँ पूछे पिताजी ये क्या है ये पुड़िया मुझे अच्छी तरह से याद था कि पुड़िया वही रखी जब आप फोन सुनने गए थे तब रखी तो हाँ वो गवारकर का फोन आया था तब अरे गवारकर नहीं वाइनगढ़कर का आया हाँ वो वाइनगढ़कर का जी पिताजी वे 6 घड़ियां लेकर गए हाँ वो घड़ियों की चाबियां क्यों नहीं दी तुमने चाबी ये हमारा ढूंढी बस पार्टनर्स का था इसलिए काम पर रखा वरना कब का निकल देता एक बार बुलाओ से कान मरोड़ता हूँ और तुमसे भी कितनी बार कहा है कि नौकर पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए मैंने रायगढ़ गया 10 साल काम किया रिपेयरिंग से लेकर पैकिंग तक सब कुछ सीखा लेकिन वो हमेशा मुझ पर नजर रखते थे मैंने भी नजर रखी थी बस हो गया राइटर पुरान शुरू विशा आमा शरद ने तुझसे कुछ घड़ियां खरीदी कहा है माँ पर पूछ रहा था उसे कितना कमीशन मिलेगा रायकर कभी कमीशन नहीं देते थे मैंने भी कभी कमीशन नहीं दिया अरे कभी कुछ बात हो गई तो कोई बड़ा काम किया तो पैकेट दे दिया मिठाई का 80 रुपया पैकेट जरा तेरे में दिखाई देता है कमीशन क्या दिखाई देता टीवी चलाता क्या देखे सारे कार्यक्रम खत्म हो चुके अरे आप यहाँ ढूंढ रहे हैं अरे ग्राहक
लाख रुपए नहीं मिल रहे हैं। एक लाख? वो लॉटरी का टिकट ही मिला भाई। क्यों रुपया एक रुपया बर्बाद करते हो? कुछ भी बर्बाद नहीं करता। बहुत हो गया। इससे तो अच्छा पिताजी आपने शुरू से कुछ बचत की होती। यार विशाल शुरू से बचत की होगी। मैं कोई रेस पर पैसे लगाता हूँ कि जुआ खेलता हूँ। पर जब हाथ में पैसे थे तब आप इसे उसे बांटते मिटते थे। नहीं नहीं क्या इसे उसे अर्थात किसी बाबले को 10,000 नहीं दिए? भूल गए आप? उसकी बेटी की शादी टूट रही थी इसलिए दिए वापस। फिर दे भी दिए उसने। दे भी दिए? वो भी कितने? बस 4,000। उस पांगम को 5,000 दिए टैक्सी के लिए। उसने क्या दिया? कभी आपको टैक्सी से घुमाया भी नहीं। और पाड़ लोस के कितने बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। पढ़े लिखे तभी तो रोजी रोटी से लग भी गए। पढ़े ठीक है पर वो मधु राजा अध्यक्ष की नौकरी मिलने तक हमारे घर टुकड़े तोड़ता था। और जब उसके ऑफिस में घड़ियों की जरूरत पड़ी तो उसने हमारे यहाँ से नहीं खरीदी। अरे मैं उसे कमीशन देता। आदमी बदल जाता है रे विशाल। ये मधु इतना अच्छा लड़का था जब तक यहाँ था। इसकी नौकरी लगी और लगी का माँ वो तो पिताजी ने बाबा कर्म लोगों के लगवा दी। तो क्या हो गया? गांव का था लगवा दी। कह रहा था पहली तनख्वाह मिलते ही मेरे लिए साड़ी खरीद के लाएगा इसीलिए नहीं आता होगा वो मधु। कल ही उसके यहाँ जाता हूँ तुम्हारी साड़ी लेकर आता हूँ। यहाँ रहकर सब पढ़ लिख कर बड़े हो गए। सिर्फ मैं ही मैट्रिक के बाद पढ़ नहीं पाया। अरे तो तुम्हें किसने मना किया? इसलिए उसे तो बोल नहीं पाता तू तरीके से। पर क्या मैं पढ़ पाया पिताजी? आपकी घड़ी की दुकान में खटता रहा 8-10 घंटे। शायद इसीलिए शरद MSc कर सका। वो पढ़ा इसलिए मजे से 5-7 हज़ार रुपए महीना कमा रहा है। तुम्हें भी तो मैंने दुकान दी घड़ी की। मैंने तुमसे क्या ले लिया? दुकान में क्या था पिताजी? दुकान दी घर का चलाना मुश्किल। श्रीराम को पंचगढ़ी में रखा है। बोर्डिंग स्कूल के पैसे भेजते भेजते पसीने छूटने लगते हैं माँ। मगर बेटा पंचगढ़ी क्यों चाहिए? हम लोग नहीं आखिर दादा दादी होते किस लिए हैं? रहने दो माँ रहने दो। आप ही के लाड़ प्यार से बिगड़ गया है वो। कुछ नहीं बिगड़ गया है वो। हम लोगों से तोड़ने के लिए उसने ऐसा किया है। आप ना पिताजी कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं इसीलिए लीला आपसे चिढ़ती है। यू ही नहीं बोलते। अरे हम बूढ़े निरुपयोगी तो क्या हमारी इतनी उपेक्षा? तो एक काम करो हम लोगों को छत पर ले जाओ और धक्के दे दो सड़क पर झंझट ही खत्म हो जाए। माँ पिताजी कुछ भी बोल देते हैं। अरे रहने दे विशा तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे। इनमें तो शुरू से ये खोट है। और होगी इसकी डाइटिंग। अरे क्या डाइटिंग डाइटिंग कहके इसे जान से मारोगे? इतना सा साथ एक फुलके के साथ और फिर सब्जी लाना भूल गए इसके बहाने आधी कटोरी दही देते हो। अरे कम से कम उस बॉबी कुत्ते को जितना देते हो उतना तो हमें दिया करो। सुन विशा जिस दिन ये मरेगी ना उससे डॉक्टर कहेंगे ये डायबिटीज या हाइपरटेंशन से मरी है। कार्डिक अरेस्ट डॉक्टरों का पेटेंट शब्द होता है। दरअसल ये कम खाने या भूख से मरी होगी। अरे मैं क्या मरूंगी और मर भी गई तो इसमें इसका क्या जाता है? आप आवाज मत चढ़ाए। आवाज चढ़ने पर मेरी तबीयत खराब हो जाती। माँ इसका सचमुच में तुम्हें पर्याप्त खाना नहीं मिलता? अरे डॉक्टरों ने नाप तोल बताया माँ इसमें हम भी क्या कर सकते हैं? खूब मिलता है बेटा। मिलता क्यों नहीं पर भूख किसे है? लीला हमारी बहुत देखभाल करती है। पर सच तो ये है कि तू हमें कहीं वृद्धाश्रम